मैं सुशील आपका स्वागत करता हूँ अपनी किचन में। कमेंट सेक्शन में कई बार दोस्तों आपने पूछा है कि मैं कोई पनीर से रिलेटेड कोई रेसिपी शेयर करूँ। दोस्तों आपकी इस फरमाइश पे मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मसाला बटर पनीर। तो देखते हैं ये मसाला बटर पनीर कितने आसानी से और किस तरीके से बनता है, और इसमें घर में जो आपके मसाले हैं उन्हीं मसालों से आप इस मसाला मटर पनीर को बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आइए देखते हैं ये मसाला मटर पनीर कैसे बनता है। तो दोस्तों मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले आप थोड़े से टमाटर काटिए 3 या 4, और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च। ये सब काटने के बाद एक मिक्सर के अंदर इनको डाल देना है। और इसके बाद इसको ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट बना देना है। इसके बाद एक कढ़ाई और उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल के रिफाइंड ऑयल, मैंने पहले से ही पेस्ट बना के रखा है प्याज और लहसुन का, इसमें आप तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा जीरा डालें। जैसे ही जीरा आपका चटकने लगे उसके बाद इसमें दालचीनी के 2 टुकड़े, साथ में तेज़पत्ता और बड़ी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च। इसको चटकने के बाद में आप इसके अंदर जो प्याज का पेस्ट बनाया हुआ था वो प्याज का पेस्ट ऐड कर दें। उसके बाद थोड़ा सा इसे मिक्स करें। इसमें थोड़ा सा नमक डालें जिससे आपकी प्याज जल्दी से भुन जाएगी। उसको मिक्स करते रहें। बाद में इसमें थोड़ा सा आप लहसुन इसके अंदर ग्राइंड करके डाल सकते हैं, घिस के डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसका फ्लेवर भी अच्छे से निकल के आता है। दोस्तों आपने मेरी वीडियो अभी तक जो देखिए, अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप लाइक करना ना भूलें, साथ में शेयर करना, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो भी मैं अपनी डिश बनाता हूँ कृपया करके कमेंट बॉक्स में उसका रिव्यू ज़रूर डालें। और आप अगर कोई भी डिश सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डिश बना के ज़रूर दिखाऊंगा। अब देखिए हमारा प्याज सुनहरा हो चुका है। अब मैं इसमें जो हम मटर लेके आए थे, मटर इसमें अगर अभी ये डाल देते हैं, ये देखिए मटर मैं इसमें डालता हूँ, इससे क्या होगा ये मटर प्याज के साथ अच्छे से जो है भुन जाएगी, साथ ही पक भी जाएगी। 60% प्याज इसमें सब प्याज के साथ में ही ये मटर पक जाएगी। ये देखिए अब ये तेल छोड़ने लगा है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी आपकी तेगी मिर्च डालेंगे जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती पर कलर और टेस्ट बहुत बेहतरीन होता है इस मिर्च का। साथ ही हम बाकी के मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे ये धनिया पाउडर 2 चम्मच, इसके बाद थोड़ी सी हल्दी, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं और अच्छे से पक जाएं और अपना फ्लेवर खुल के निकल के आए। दोस्तों जब भी आप मसाले डालें सूखे तो उसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर डालें, इससे क्या होता है कि हमारे मसाले जलते नहीं हैं
और वो उनका फ्लेवर बहुत अच्छे से निकल के आता है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा जो हमने पेस्ट बनाया था टमाटर का, वो टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी, हल्का सा पानी और ऐड करेंगे हम, जिससे पेस्ट इसे लगे नहीं। और उसको ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे तब तक कि ये अपना ऑयल जो है अलग ना होने लगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम प्लेट से ढक देंगे, जिससे हमारी प्याज मसाले और मटर थोड़ा सा पक जाएं। अब हम देखिए इसको ओपन करके देखेंगे। देखिए अब हमारा जो ऑयल है इन सब चीज़ों से बाहर आने लगा है। जब ऑयल आपका बाहर निकलने लगे तो समझ लिए कि आपके मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी हींग डालेंगे हम। मैं एवरेज की ये हींग इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपके पास जो हींग हो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। हींग दोस्तों डालना किसी भी सब्ज़ी में, आप हींग डालेंगे इससे आपकी जो पाचन क्रिया है बहुत अच्छी रहेगी, साथ में टेस्ट अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा इसके अंदर चाट मसाला डालने से जो है बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है, जो खट्टापन होता है वो बैलेंस हो जाता है। थोड़ा सा जो है चिकन मसाला अपने टेस्ट के अनुसार, आप तीखा खाना चाहते हैं, चटपटा खाना चाहते हैं, मिर्च मसाले आप उसके अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो मैंने पनीर है, आधा किलो पनीर, थोड़ा सा पानी, इसके बाद पानी और डाल देंगे क्योंकि गर्म होने के बाद और ये पानी सूख जाएगा, तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर हम लोग डालेंगे। अब जितना गाढ़ा करना चाहते हैं, मैं इसको जो है बिल्कुल थिक ग्रेवी के साथ बना रहा हूँ, आप चाहें तो इसे पतली ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं ये मसाला मटर पनीर बना रहा हूँ इसलिए इसमें थिक ग्रेवी ही अच्छी लगती है। आप सिंपल मटर पनीर बनाएंगे तो उसमें ग्रेवी को आप पतली भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। इसके बाद में जब इसे ओपन करेंगे तो हमारा मसाला बटर पनीर बनके तैयार हो चुका होगा। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी आपकी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये इस तरीके से मटर पनीर बनाने का तरीका कैसा लगा। इसमें दिखने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया भी हम काट के डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आ जाता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, और किसी भी खाने का सबसे अच्छा टेस्ट होता है खाना बनने के बाद आप इसमें हरा धनिया ज़रूर डालें। अगर आपको कोई और भी चीज़ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं।